आपने मुसलमानों पर उंगली की भाई मैं बोलूंगा। आपने क्या कहा कि नोट दो पत्थर मरवाओ, मतलब मुसलमान को सीधा टारगेट। आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू, इंदिरा गांधी को मारने वाला हिंदू, राजीव गांधी को मारने वाला हिंदू, महात्मा गांधी को मारने वाला हिंदू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाला हिंदू, ज्योतिबा फूले के ऊपर कूड़ा कचरा फेंकने वाला हिंदू था, मुसलमान थे बताइए आप? कोई भी अगर काम सबसे ज्यादा आपके समाज को प्रताड़ित करने वाला मुसलमान थे या हिंदू था आप बताइए? बंद हो जाएंगे, मैं फिर बार बार कहता हूँ, सुनिए भाई, अब सुनने की क्षमता गलत जगह पे नहीं, सबसे हम हिंदू हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दे साहब कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं ठीक है, लेकिन गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं ये और भी ठीक है। नमस्कार, मैं अनुराग ओझा, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मौजूद हैं लखनऊ में। आपने कई बार सुना होगा अखंड भारत बनाएंगे, आपने कई बार सुना होगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी जो हम निकल रहे थे ना रोड से, तो एक भैया हमको मिला, आपका नाम क्या है पहले बताइए? रणजीत निषाद। रणजीत निषाद, संजय निषाद वाले निषाद हो? हाँ, हाँ, यानी जो नाव चलाते हो वाले निषाद हो? निषाद। अच्छा, आप एक चीज बताइए, मनुस्मृति तो आप जानते ही होंगे, पहले मैं मनुस्मृति से शुरू करूंगा, मैं एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ। अच्छा अच्छा बताइए, ठीक, क्या जानना? अब एक चीज बताइए कि सूद अछूत बहुत चीज होता है, हिंदू राष्ट्र पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, हिंदू राष्ट्र को आप कितना सही मानते हैं? हम देखो स्वामी जी के विचारों से चलते हैं, स्वामी जी ने पूरी दुनिया का अध्ययन करने के बाद ही कहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं, हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम इसी धरा के बिंदु हैं, और गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, और हम गर्व से कहते हैं कि यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं, और उस संविधान की जरूरत है। आप बताइए कि अखंड भारत जब बनेगा तो SC ST OBC MIT के लोग कहाँ जाएंगे? सब यहीं रहेंगे। एक चीज बताइए, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा, तो मुसलमान जो आएगा उनके ऊपर क्या अत्याचार क्या जुल्म किया जाएगा? कोई अत्याचार कोई जुल्म नहीं, सब तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की और अखंड भारत बनाने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं, हमारा खोया इतिहास है, हम वापस लेंगे। अखंड भारत सबसे पहले किसने बनाया था बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, और आज के समय पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं? हैं, वीरों की, भारत में वीरों की कमी नहीं है, आने वाले महापुरुष ऐसे ऐसे योद्धा आएंगे, सारी समस्याओं का हल निकालेंगे। समस्या देश में महंगाई है, समस्या बेरोजगारी है, समस्या भुखमरी है, समस्या महिला सशक्तिकरण है, समस्या रोजगार है, समस्या किसान है, उस पर चर्चा नहीं हो रही आप अखंड भारत? सब होगा, सब धीरे धीरे होगा, एक बैग नहीं है कि बस कंप्यूटर में डाले सब फिनिश हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, चार, बर्मा, पांच, भूटान, म्यांमार, सात, और श्रीलंका, आठ। हाँ, बस आठ ही देश हैं। हाँ, मतलब आपने एक गाना जरूर सुना होगा कि किसी मल्लाहे का बेटा जब नाव डुबोता है, आपने गाना सुना होगा? अब आप नहीं सुना है तो उसको सुनिएगा जरूर। हाँ, बताइए। आप एक निषाद परिवार से आते हैं? हाँ, निषाद नाव नहीं डुबाता है। नहीं, किसी मल्ला होते हैं, मल्ला होते हैं, नाव नहीं डुबाते, वो अपनी जान पर खेल जान, नाव को पार करते हैं। एक एक गाना है, गाना होगा, गाना मैं बता रहा हूँ, सारी विवाह तोड़ा देता है, इसके बाद में मत जाइए, आप ब्राह्मण हो ना, अब पूजा पाठ शादी विधि विधान, लेकिन वो शादी जो है टूट जाती है, ऐसा क्यों? वो मल्ला के ऊपर मत जाइए। मैंने वो नहीं कहा है। मैंने वो नहीं, मैंने गाना नहीं, हम भी आपको साक्षात दे देंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई पंडित, मतलब शादी विवाह होती है, शादी विवाह टूट जाता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनेगा तो क्या देश में महंगाई कम होगी? सब कुछ कम होगा, भारत कम, मान सम्मान बढ़ेगा, पूरी दुनिया में भारत जो है गर्व से लोग यहाँ आने के लिए भारत को दूसरा घर समझेंगे पूरी दुनिया के लोग। जब अखंड भारत था तब इस देश में महंगाई कितनी थी? तब इस समय सोने की, यानी कि भारत सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी उस समय। अब एक चीज बताइए कि अखंड भारत जब बन जाएगा तो ये देश सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगी? बन जाएगी। 155 लाख करोड़ रुपए का जो मोदी जी ने कर्जा लिया है, वो कर्जा विदेश वाला माफ कर देगा? सब होगा, सब होगा, धीरे धीरे होगा। नहीं, देखिए कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है। कथनी आप न देखे है न हम देखे है, लेकिन मैं अपने पूर्ण विश्वास से कहता हूँ ये सत्य होगा, एक दिन भारत अखंड भारत बन के रहेगा, लेकिन आने वाले महापुरुष ऐसे ऐसे योद्धा आएंगे ना, भारत को जो है ना महाशक्ति बनाकर जाएंगे। देखिए एक चीज, जैसे SC ST OBC MIT के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हो कि नहीं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उन्होंने तो कहा था हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, उन्होंने कहा था अखंड भारत सबके हित में है, ये भी पढ़ो। लेकिन हिंदू राष्ट्र उन्होंने भी वकालत किया है, अखंड भारत जो है सबके सब में हित में है।
नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र पे चर्चा नहीं, आप अगर बाबा साहब को मानते हो एक बात पकड़ते हो, एक छोड़ क्यों देते हो? उन्होंने कहा है हिंदू धर्म को नहीं मानते, सुनिए सुनिए, उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। वो तो मूर्ति पूजन भी नहीं मानते थे, लेकिन आज के सब मूर्ति, उनकी भी तो एक मूर्ति प्रतिमा बनी है। मूर्ति पूजा आप मानते हैं? अगर बाबा साहेब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे तो उनके अनुयायी लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ये भी हम कहना चाहते हैं। आप बाबा साहब के खिलाफ में हैं या फेवर में? बाबा साहब के हम खिलाफ नहीं है, फेवर में है। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो धर्म है ये मतलब एक दूसरे से बांटता है। अब आप धर्म देखा दुनिया में, अब मैं एक चीज आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा हिंदू कोई धर्म। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म से एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ हूँ और मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ। मैं कहता हूँ गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ, आप एक चीज देखिए, इसमें ये हिंदू राष्ट्र का ही अखंड भारत का लिए है। यहाँ पे एक सिंधु घाटी है, ठीक, और हम लोगों का जो जन्म हुआ था ना भाई, यहीं पे हुआ था। और जो मुगल लोग आए थे उत्साह को हाँ कहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू, सुनिए भाई, पढ़िए आप पढ़िए, लगता है नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी हमें नहीं है, नॉलेज की कमी आपको होगी। जितना लोग देख रहे हो तो जानते हैं किसको कितना कमी है। ठीक है, खैर छोड़िए, हिंदू जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना यार, किसी चीज को आप मिटा देना ही, यानी क्या मिटा दिया गया? इस देश से रेलवे को मिटाया जा रहा है, एयरपोर्ट को मिटाया जा रहा है, शिक्षा को मिटाया जा रहा है, रोजगार को मिटाया जा रहा है, अस्पताल को मिटाया जा रहा है, बैंक को मिटाया जा रहा है, सब बेहतरीन हो रहा है, रोड भी जाओ। आप कितना कमाते कितना? हम अगर अपने कमाई पे आए तो 1500 रुपया पर डे कमा सकते हैं। क्या काम करते हैं? यूपी की ठेकेदारी करते हैं। यूपी की ठेकेदारी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। लड़का है लड़की है? दोनों लड़के हैं। दोनों लड़के हैं। कितना दिन से यात्रा निकाले हुए हैं? इस पे लिखा हुआ है 12 फरवरी 2024। बारह फरवरी 2024 से आप चल रहे हैं। लगभग आज आपको हो गया 17 दिन 18 दिन। 18 दिन में कितना रुपया लेके चले थे जेब में? तो हमारे बस ज्यादा ज्यादा 2000 रुपए लेकर निकले थे। 2000? आपका जन्मतिथि वो कितने साल के हो गए आप? हम 40 साल के। 40 साल के हैं, यानी आप 18 साल की उम्र से कमा रहे होंगे। 22 साल की उम्र, यानी आपको 20 साल हो गया होगा कमाते कमाते मुश्किल से, ठीक। ये डेली 1500 रुपए कमाते हैं? नो, कोई नहीं कमा सकता, घर पर भी आराम कर सकता है और भी जा सकता है डेली। आपको ये यात्रा निकालने की नौबत क्यों आई? हमें बदलाव करना है, बदलाव इस देश में अमित शाह का लड़का नहीं चाहता है, बदलाव राजनाथ का लड़का नहीं चाहता है, बदलाव स्मृति ईरानी की बिटिया नहीं चाहती है, बदलाव और बड़े बड़े नेता नहीं चाहते हैं। सुनिए, आप कोई बदलाव कैसे आया आपके अंदर? ना तो हम नेताओं के फेवर में है ना इनके फेवर में, लेकिन जो कार्य अच्छा हुआ है उसको स्वीकार करते हैं, जो गलत है उसका खंडन भी। भाजपा सरकार ने कोई काम बढ़िया किया है? हाँ, बहुत काम बढ़िया। क्या क्या काम बढ़िया? रोड नंबर एक किया है। रोड चाटिए का जब भोजन नहीं मिले? अरे यार, चाटने की बात स्वीकार करने की क्षमता रखो। रोड बिजली बढ़िया है? बिजली गांव में से आते हो या शहर से? गांव से ही आते हैं भैया, 24 घंटा। हम गोंडा से आते हैं, गोंडा से एक शायर हुए थे आदम गोट भी, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है, दूसरा काम। हाँ, रोड हो गया, एक तो कैशलेस की सिस्टम बढ़िया कर दिए, और इसके बाद जो है। अच्छा, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ था कुछ? नोटबंदी से बहुत फायदा हुआ। क्या क्या? कितना पैसा था आपके पास? जो पत्थर मारते थे कश्मीर में और सबने, पत्थर मारने का काम, मतलब मुसलमान लोग पत्थर मारता है, जब भाई उसको बढ़ावा दिया गया है कि नोट पकड़ो और मारो। अच्छा, मतलब मुसलमानों को पैसा दिया जाता है कि पत्थर मारो? आपने क्या कहा कि नोट दो और पत्थर मारो? अच्छा, तब से बंद हुआ कि नहीं पत्थर मारना? जब से नोट बंद हुई, बंद हुआ। आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। एक चीज बताइए कि जिसने भी इंदिरा गांधी को मारा वो कौन था? हिंदू था, मुसलमान था? आपने मुसलमानों पर उंगली की भाई मैं बोलूंगा। आप बताइए राजीव गांधी का हत्यारा कौन था? मुसलमान था, हिंदू था? हम हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन आपने कहा बाबा साहब को आप मानते हैं, बाबा साहब को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाला हिंदू था या मुसलमान था, बताइए? अगर बाबा साहब कहे हैं, ये भी कहे हैं, ज्योतिबा फूले के ऊपर कूड़ा कचड़ा फेंकने वाला हिंदू था या मुसलमान था, ये बताइए आप। देखो, कोई भी अगर काम, सबसे ज्यादा आपके समाज को प्रताड़ित करने वाला मुसलमान था या हिंदू था, आप बताइए। बंद हो जाएंगे, मैं फिर बार बार कहता हूँ, सुनिए भाई, अब सुनने की आप क्षमता रखें, गलत जगह पे नहीं। आपने क्या कहा कि नोट दो पत्थर मरवाओ? मतलब मुसलमान को सीधा टारगेट। आप बताइए, जितना मैंने नाम गिनवाया, सबसे ज्यादा मुसलमान आते हैं उस चीज में, हिंदू आए हैं। आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू, इंदिरा गांधी को मारने वाला हिंदू, राजीव गांधी को मारने वाला हिंदू, महात्मा गांधी को मारने वाला हिंदू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाला हिंदू,
जितने भी आपके समाज के बड़े बड़े महापुरुष गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहिए आप गर्व से कहिए हिंदू हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दे साहब कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं ठीक है, लेकिन गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं ये और भी ठीक है। हम ये बोले जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। शुक्रिया।